हाँ जी नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान में अपनी चर्चा लग्न राशि के अनुसार आप क्या क्या करें उपाय जिससे कोरोना रहे आपसे दूर। कौन कौन सा ऐसा समय होगा जिस समय आपको रखनी होगी विशेष सावधानी। कौन सा ऐसा समय है जब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का हो रहा है अभाव, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज की जो लग्न राशि है, मीन लग्न मीन राशि, गुरु की दूसरी राशि और सर्वाधिक इस समय कोरोना से प्रभावित होती हुई राशि, आज चर्चा करेंगे मीन लग्न मीन राशि। मीन लग्न मीन राशि, अब वर्तमान में आप देखें तो आपके लग्नेश जो है वो गोचर कर रहे हैं अपने से द्वादश, 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक यह इनका गोचर द्वादश भाव में है। वर्तमान में जैसे मिथुन लग्न के साथ हो रहा है वैसे मीन लग्न के साथ हो रहा है। लग्नेश का द्वादश में गोचर होना मतलब आप अपने प्रति थोड़ा सा लापरवाह हैं। आपके जिन ग्रहों की जिम्मेदारी थी कि आपके शरीर को सुरक्षित रखेंगे वो भूल गए हैं, उनका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान अपने तरफ कम है, संसार के कार्यों की तरफ ज़्यादा है, थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। तो यह समय आप मीन लगन मीन राशि वाले मैक्सिमम लोग कोरोना के संपर्क में आ गए हैं। जिनके कुंडली में लग्नेश ठीक है वो तो संक्रमण से उबर गए हैं, जिनके कुंडली में लग्नेश ठीक नहीं है वो संक्रमण से लंबे आघात में पहुंच गए हैं। कुछ लोगों को हृदयाघात लगा है, कुछ लोग लंबे समय के लिए बीमार हो गए हैं, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो द्वादश में चला गया है, वो उसकी रश्मि आपको मिल ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पे आपका लग्नेश ही द्वादश में नहीं गया, यहाँ पे आपका कर्मेश भी द्वादश में गया, तो आप शरीर से संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आपके पिता को भी संघर्ष करना पड़े, पिता भी आपके संघर्ष करते हुए इसमें प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पिता भी व्यय के घर में जा रहे हैं, तो पिता को भी कोरोना हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, नहीं है तो अपना विशेष ख्याल रखें, आप संक्रमित होने वाले हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर आप नहीं हुए हैं तो इसका मतलब आपके लग्नेश बहुत अच्छे हैं और आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, तभी आप नहीं हुए हैं, परमात्मा आप पे ऐसी कृपा बनाए रखें कि आप ना हो। इनका गोचर 14 सितंबर को फिर एकादश भाव में आएगा, वहाँ से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यद्यपि निम्न के हो रहे हैं लेकिन शनि के साथ बैठने से निम्न भंग राशि कन्वर्ट करेंगे, अतः आपके लग्न को पावर मिल जाएगा, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा, तो फिर आपको कोरोना आपके पास होगा तो आपको प्रणाम करके और वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। फिर ये 20 नवंबर को पुनः कुंभ में प्रवेश करेगा, तो जो साल का अंत होगा वो भी आपको स्वास्थ्य के लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। अप्रैल में जब ये जाके स्वतः की मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तब तक आपके लिए संघर्ष रहेगा। ये आपके लग्नेश की स्थिति है, साथ में आपके कुंडली में आपके जो सूर्य देव हैं आपके रोगेश हैं, शुक्र देव जो है वो आपके अष्टमेश हैं, तो सूर्य और शुक्र की स्थिति का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आपके लग्न लग्नेश पर इनकी स्थिति आएगी, इनका प्रभाव आएगा, आपका स्वास्थ्य डावाडोल होगा। चलिए चर्चा करते हैं इसके बाद आपके कुंडली में सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव इस वर्ष तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव अब आपके कुंडली से निकल चुके हैं। सूर्यदेव वर्तमान में मेष में चल रहे हैं, उसके बाद वृषभ में जाने वाले हैं, तो आप सूर्य की गति से बच गए, ठीक है ना, सूर्य की गति आपके ऊपर नहीं पड़ रही है। अब शुक्रदेव, शुक्रदेव आपकी कुंडली में अष्टमेश है और तृतीयेश है, शुक्र का भी गोचर आपके लग्न पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ना तो लग्न से इनकी आपके लग्नेश से इनकी युति बन रही है, दोनों स्थिति बहुत अच्छी है तब तो आपके लिए। मंगल आपके सेकंड क्वालिटी के मार्केश, लेकिन भाग्य सोने से मार्केश नहीं बनाएंगे। बुध आपके कुंडली में सप्तमेश से, अतः ये थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में देखें तो आपके लग्न और लग्नेश से इनकी कहीं भी युति नहीं बन रही है, कहीं भी युति नहीं बन रही है। इसका मतलब आपको अपने लग्नेश को ही मजबूत करना होगा। अच्छा, आपके कुंडली में शनि आपके व्ययस हैं, शनि आपके व्ययस हैं और आयस हैं, आयस और व्ययस ये दोनों बहुत अच्छे नहीं होते,
आयस आय देने के बाद छोड़ देता है और व्यस्त वे ही करता है। वर्तमान में शनि अभी आपके कुंडली में व्यात्मक भूमिका में थे, लेकिन जैसे ये मई स्टार्ट हुआ है, मई के पश्चात उन्होंने अपनी व्यात्मक भूमिका का परित्याग कर दिया है। अब आने वाला लगभग जो 15 माह है वो 15 माह वो आय का फल देंगे, एकादश का फल देंगे, लेकिन एकादशेश भी चोट होता है और शनि चोट नहीं देता, शनि बीमारी दे देता है, इसलिए शनि से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक आपके शरीर का व्यय करा रहे थे, पैसे का व्यय करा रहे थे, यहाँ पे शनि आपको पैसा देंगे, उसके पश्चात परेशानी देंगे। तो शनि की चीज़ों को भी आप अपनी कुंडली को देख के दान दक्षिणा कर सकते हैं। हर स्थिति में आपको अपने गुरु को मजबूत करना है, इसलिए आप भगवान को पीले कलर के पुष्प चढ़ाएं, पीला कपड़ा पहन के रखें, हो सके तो अपनी बेडशीट ही पीली कर लें। घर का जो वातावरण है, अगर आप पीला कमरा कोई है उसमें रहें, या जिस रूम में सोते हैं 0 वाट का पीला बल्ब लगा के सोएं, आपके लिए बेहतर होगा। आप केसर चंदन मिल जाए तो उसको मस्तक पे, कंठ में और नाभि में 3 जगह आप लगा के रखिए, रोग आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको पता है कि आपके मीन लगन ही है, तब आप एक बढ़िया क्वालिटी का पुखराज, बढ़िया क्वालिटी का मतलब है कि आपके पॉकेट के अनुसार जो आपको अलाउ कर रहा है, अगर नहीं अलाउ कर रहा है पुखराज पहनने के लिए, तो आप एक टोपाज ही पहने, टोपाज तो आप पहन सकते हैं। जब स्मार्टफोन पर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं 10,000 के मोबाइल पे, तो आप 1,000 रुपये 500 रुपये का टोपाज पहन सकते हैं। तो टोपाज पहन के रखिए, सेहतमंद रहिए, सेहत है तो सब कुछ है। अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद दीजिए, गुरु मतलब गुरुजन, बड़े जन, पिता अतुल्य लोग, पिता का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि पिता अभी व्यय में जा रहे हैं, उसके पश्चात जब वापस आएंगे तो पिता अपने से द्वितीय रोग के घर में, धन के घर में तो जा रहे हैं लेकिन रोग के घर में जा रहे हैं। तो मीन लगन मीन राशि इस समय संकटग्रस्त चल रही है और यह वर्ष आपके लिए पूरा तनाव देने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आने वाले समय में आपके लिए बेहतर होगा, तो बेहतर नहीं होगा। जैसे सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए तनाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप अपने जीवन साथी को लेकर तनाव में रहेंगे और स्वतः की सेहत को लेकर तनाव में रहेंगे। जैसे शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव पे होगा, आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, आपके जीवन साथी का सेहत तनाव होगा, आपके संबंध जो है तनाव होंगे, कोई फालतू कटिया इधर उधर घूम जाएगी, उसकी वजह से तनाव होगा। तो ये सारी चीज़ें बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने अगर कुंडली को देख के ये जान सकते हैं कि हमारे आने वाले समय में कौन सा हमारा समय बेहतर है, कब धूप लगेगी और कब बारिश गिरेगी, तो छतरी हमें कब खोलना है और छतरी हमें कब बंद रखना है। हम रोड पे जा रहे हैं, हमें पता है आगे टर्निंग है, आगे ब्रेकर है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी स्लो कर लेते हैं। उसी तरह अगर हमें ये पता होता है कि हमारे आने वाले समय में हमारा समय कैसा है, तो हम समय के साथ सामंजस्य बैठाना सीख जाते हैं। और ज्योतिष सामंजस्य बैठाने का ही विषय है। गुरु शनि जो भी ग्रह हैं, आपको चाकू लेके मारने नहीं आते, शरीर में तत्व की कमी कर देते हैं और तत्व की कमी ही रोग की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। तो उन तत्वों का समायोजन करना आपको ज्योतिष सिखाता है। तो आपके लिए मंगल में शुभकामना कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सरकार के लिए एक संख्या हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए संपूर्ण संसार है आप, इसलिए अपना विशेष ख्याल रखें। राधे।